तो गाइस आज मैं आपको जितनी भी यहाँ पे खबरें बताने वाला हूँ ना, सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कुछ खबरें तो अपने लिए बहुत अच्छी है और कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो इतनी अच्छी नहीं है अपने लिए, उसमें अपने को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जो जो भी मैं आपको टेक अपडेट यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना। तो दोस्तों यह है अपनी संडे टेक धमाल की एक नई वीडियो, टेक करके जितनी भी लेटेस्ट टेक न्यूज है ना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो भाई अपना जो यहाँ पे पहला अपडेट है ना, ये इतनी अच्छी अपने लिए खबर नहीं है यार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय मुख्यमंत्री प्रकाश जी ने एक यहाँ पे गाइडलाइन को अप्रूव करा है, जिसके अंदर जितनी भी यहाँ पे डीटीएच की सर्विसेज है ना उनको 20 साल का यहाँ पे और लाइसेंस मिल गया है। लेकिन इसके अंदर ना एक थोड़ा सा चेंजेस है यार, जो अपने यहाँ पे डिश एंटीना है ना, जो घर के बाहर अपन जनरली लगाते हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो सकती है। अगर आप टाटा इसका यूज कर रहे हो तो उसका जो एंगल है ना भाई, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। अगर आप डिश टीवी यूज कर रहे हो, एयरटेल यूज कर रहे हो, तो जितने भी तुम यहाँ पे डीटीएच कनेक्शन यूज कर रहे हो ना, उनका एंगल यहाँ पे चेंज हो सकता है। और तुम ऐसा ना काफी लोगों को पता भी है कि यहाँ पे जो जिंक एडिशन आता है ना डिश टीवी और वीडियोकॉन के, उनका जो यहाँ पे एंटीना होता है ना, मतलब वो छतरी, वो यहाँ पे फ्री डीटीएच के ऊपर सेट है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मल्टीपल अपने को एंगल यहाँ पे नहीं रखना पड़े, कम से कम अपने एंगल बनाए ताकि सैटेलाइट से कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर आप यहाँ पे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल या फिर किसी भी टाइप का डीटीएच यूज कर रहे हो ना, तो उसका एंगल यहाँ पे चेंज हो सकता है। और अगर आपको इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है न्यूज की, उसको जाकर चेक कर लेना, उसमें इस बारे में ज्यादा डिटेल अपने को बता रखी है। और हाँ भाई एक इंपॉर्टेंट बात, मुझे कमेंट करके तुम बता ही देना यार कि तुम यहाँ पे डीटीएच कौन सा यूज कर रहे हो, एयरटेल, वीडियोकॉन, डिश टीवी या फिर जिंक एडिशन, और ये ना बहुत जरूरी है भाई, तो कमेंट तो कर ही देना भाई इस बारे में। ओके गाइस, अब जियो ने यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका कर दिया भाई, ये हर चीज फ्री में क्यों बांटते हैं मुझे समझ में नहीं आया। जियो अपने को 4K रेजोल्यूशन में IPL बिल्कुल फ्री में देखने का मौका दे रहा है। अगर आप जियो सिनेमा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करते हो मोबाइल के अंदर या फिर LED टीवी के अंदर, तो आप IPL को 4K रेजोल्यूशन में फ्री में देख पाओगे भाई, कोई अपने को सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस आपके पास जियो के यहाँ पे सिम होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो OTP से लॉगिन कर लेना किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली में से लेकर। तो ये अपडेट ना भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, इससे रिलेटेड एक अपडेट हो रहा है, जियो ने अपने यहाँ पे क्रिकेट प्लान को भी लॉन्च कर दिया। अगर तुम यहाँ पे 3GB पर डे का इंटरनेट यूज करते हो ना जियो के सिम में, तो उसके अंदर तुम यहाँ पे 150GB का और एडवांस कर सकते हो यार। और यहाँ पे जियो के जितने भी क्रिकेट प्लान है ना, उसके ऊपर अपने को अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा क्रिकेट देखने के लिए। ओके गाइस, अमेज़न को समझ में आ गया है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है और ज्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं इंडिया के अंदर। तो जितने भी अमेज़न के यहाँ पे डिवाइस है ना, अमेज़न फायर टीवी स्टिक, इको डॉट और इसके अलावा क्यूब भी आता है, जो अभी तक अपन ने रिव्यू करा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको रिव्यू करने का, और कमेंट कर देना अगर रिव्यू देखना चाहते हो तो। तो जितने भी यहाँ पे अमेज़न के डिवाइस है ना, उसके अंदर एलेक्सा हिंदी में अच्छी तरीके से काम करेगी। अब तुम में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि एलेक्सा तो वैसे भी हिंदी मतलब सुन लेती है और हिंदी में जवाब हमको दे देती है, लेकिन भाई अब यहाँ पे जो एलेक्सा के डेवलपर है ना, उसने हिंदी को ज्यादा बेटर कन्वर्सेशन के लिए यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, और इसका जो AI है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो अपनी जो कन्वर्सेशन होगी ना वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। और ये जो हिंदी लैंग्वेज है ना भाई एलेक्सा की, ये एक स्किल बेस यहाँ पे होने वाली है, तो आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो अपनी फायर टीवी के अंदर। तो एलेक्सा अब हिंदी में अच्छी तरीके से काम करेगी, और अपने को जो एलेक्सा का आंसर मिलेगा ना, वो ऐसा लगेगा कि सामने कोई बैठा हुआ है, मतलब बैठी भी है एलेक्सा। और भाई अपनी अगली अपडेट बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पाया हो तो, और ऑलरेडी कर रखा हो तो लाइक कर देना। अब भाई गेम लवर के लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज है, यहाँ पे सोनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि प्लेस्टेशन 5 के ऊपर 5,000 रुपए का अपने को डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर तुम यहाँ पे प्लेस्टेशन 5 को खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली खरीद सकते हो। और हाँ भाई, तुम मुझे बताना कमेंट करके कि Xbox वर्सेस प्लेस्टेशन 5 दोनों में से कौन सा बेटर कंसोल तुम्हें लगता है। ओके दोस्तों, अब अपनी जो यहाँ पे अगली खबर है ना, ये LED टीवी से रिलेटेड है। Vue 43 इंच की ग्लो LED टीवी इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और ये LED सिर्फ 30,000 की है, और 30,000 में भाई क्या कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ऑब्वियसली अपनी ग्लो LED पैनल के साथ आती है, ग्लो AI प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 2GB 16GB के इसके अंदर रैम रोम है, और इस LED टीवी के अंदर भाई 84W के स्पीकर है। तो म्यूजिक लवर अगर बाय करना हो तो डेफिनेटली कर लेना। ओके गाइस, अब अपना जो 6th नंबर का आखिरी अपडेट है ना, ये MI बॉक्स से रिलेटेड है। देखो अभी जो मार्केट में MI बॉक्स है, Xiaomi का MI बॉक्स है, वो यहाँ पे एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, वो है MI बॉक्स 4K। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक नया वर्जन इनका लॉन्च हो सकता है 4GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका नाम यहाँ पे MI बॉक्स S बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है भाई। कंपनी इसको रीब्रांडेड करेगी और किसी नए नाम से यहाँ पे लॉन्च करेगी। इसके अंदर ऑब्वियसली अपने को 4GB की रैम मिलेगी, और ये टोटली अपग्रेड रहेगा 4K वर्जन के कंपेयर में। और जो नया अपडेट आ सकता है ना भाई, उसके अंदर अपने को कोर्टेक्स का A55 जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, और ऑब्वियसली इसके अंदर एंड्रॉइड 12 या फिर 13 होना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13 के साथ मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन 12 तो मिनिमम रहने वाला है। तो अपन वेट करते हैं MI बॉक्स के नेक्स्ट वर्जन का आने का। तो भाई ये सारी अपडेट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ भाई, जियो टीवी जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको एक बात मैं बता दूं यार, अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जियो टीवी के बारे में, किसको LED में कैसे चलाना है। तो काफी लोगों के ना भाई प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो जियो टीवी है वो पोर्ट्रेट में ओपन हो रही है, लैंडस्केप हो ही नहीं रही,
या जियो टीवी जब वो ओपन कर रहे हैं तो रूटेड डिवाइस फाउंड ऐसा शो हो रहा है एरर उनको। तो ये जितने भी प्रॉब्लम लोगों को आ रही ना टेलीग्राम पे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके फीडबैक यहाँ पे ले रहा हूँ और बहुत जल्दी एक नया स्टेबल सॉल्यूशन मैं बता दूंगा जो हर किसी के यहाँ पे काम करेगा। वैसे तो काफी लोगों के जियो टीवी प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है यार जिनके पास ना एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना है तो उनके काम नहीं कर पा रही अच्छे तरीके से। तो एक नया मॉडल एप्लीकेशन में लेकर आ जाऊंगा, तो उसके लिए वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए बाय।